अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। यूएई से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कोई नई राय तो कमेंट करें। चलिए देखते हैं आज क्या अपडेट आई हुई है। वंदे भारत मिशन के तीसरे चरण के दौरान संयुक्त अरब अमीरात से भारत के लिए 45 विशेष उड़ानें होंगी। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार उनमें से 5 फ्लाइटें चंडीगढ़, जयपुर, हैदराबाद और लखनऊ के लिए होंगी। ये फ्लाइटें 21 जून और 23 जून के बीच भरी जाएंगी उड़ानें इनकी। दुबई और अबू धाबी में अब रहना हुआ पहले से अधिक सस्ता। दुबई और अबू धाबी 2020 के एक्सपर्ट्स के लिए और भी अधिक किफ़ायती शहर बन गए हैं, क्योंकि दोनों अमीरों को रहने के लिए कम लागत में ये शहर शामिल हो गए। मंगलवार को जारी में एक लिस्ट में 209 की शहरों की मर्सर में 2020 के कास्टिंग ऑफ लिविंग सर्वेक्षण के अनुसार दुबई की रैंकिंग 21वें से 23वें स्थान पर फिसल गई, जबकि अबू धाबी 33वें स्थान से गिरकर 39वें स्थान। दुबई अरब दुनिया का सबसे महंगा शहर बना हुआ है, लेकिन रियाद में नवीनतम रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है, अबू धाबी को पीछे छोड़ दिया है। पिछले वर्ष की तुलना में सऊदी की राजधानी 31वें स्थान पर है। एयर अरबिया ने घोषणा की है कि वह शारजहाँ से मिस्र के लिए वापसी के लिए नई आउटबाउंड उड़ानें संचालित करेगा, जो अब मिस्र के नागरिकों को यूएई से लौटने के लिए अनुमति देगी। यह विशेष उड़ानें 11 जून से लेकर 16 जून 2020 तक शारजहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से काहिरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक संचालित की जाएंगी। वेबसाइट पर बुकिंग कर लें या तो आप संपर्क करना चाहते हैं तो 06580000 पर एयर अरबिया कॉल सेंटर में कॉल कर सकते। सऊदी अरब की कंपनी ने 1600 भारतीयों को पहुंचाने के लिए निजी विमानों का किया इंतजाम। किसी निजी कंपनी द्वारा खाड़ी क्षेत्रों से लोगों को उनको वतन पहुंचाने के लिए यह सबसे बड़ा अभियान होगा। इस अभियान के तहत 9 उड़ानें भारत आएंगी। यह अभियान 11 जून को खत्म हो जाएगा। इस मिशन के लिए गल्फ एयर की सेवाएं ली गई हैं और सऊदी अरब के दम्माम से इसका परिचालन किया जाएगा। कंपनी के एक अधिकारी ने पीटीआई भाषा में बताया कि भारतीय उपमहाद्वीपों के में विभिन्न देशों के लिए कुल 2000 कर्मचारियों को भेजा जा रहा है, जिसमें से 1665 लोग भारत के सिर्फ हैं। कुछ दिन पहले खबर निकल कर आए थे कि यूएई में 30 अगस्त से स्कूल खुल जाएंगे, लेकिन यूएई के शिक्षा मंत्रालय ने इस बात से इनकार कर दिया कि 30 अगस्त से स्कूल खुलेंगे। अभी तक कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया है जो कि 30 अगस्त से स्कूल खुल जाएंगे। खलीफा विश्वविद्यालय नई वैश्विक शिक्षा रैंकिंग में संयुक्त अरब अमीरात के शीर्ष स्थान पर बरकरार है। सऊदी अरब में किंग अब्दुल अजीज विश्वविद्यालय QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष 150 तक पहुँचने में वाला पहला अरब इंस्टीट्यूट बन गया है। यूएई और क्षेत्र के विश्वविद्यालय में नई वैश्विक उच्च शिक्षा लीग की तालिका में अपने रूप में सुधार किया है। अबू धाबी में खलीफा विश्वविद्यालय ने देश के सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी के रूप में अपने आप को मजबूत किया है, जो कि पिछले साल 268वें स्थान से बढ़कर 2020 के QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 211 पर पहुंच गया है। पहली बार इस क्षेत्र में दुनिया के शीर्ष स्थानों में 150 में जगह बनाने वाले सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज विश्वविद्यालय पिछले साल 186 से बढ़कर 143वें स्थान पर आ गया है। अबू धाबी में 44 डिग्री सेल्सियस और दुबई में 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है तापमान। यूएई बुधवार को अंतर्देशीय क्षेत्रों में धूप और कुछ बारिश देखने के लिए तैयार है। शाम और गुरुवार की सुबह नमी बढ़ेगी, जिससे धुंध और कोहरा बनने की